रीवा संभाग के विकास का क्रेडिट नाले भाजपा सरकार, सब कुछ कांग्रेस की देन, कहा मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने। कांग्रेस में घर वापसी के पश्चात रीवा के पूर्व विधायक पुष्पराज सिंह को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आज एक कार्यक्रम में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रभारी विजय चौबे ने उन्हें इस आशय का पत्र सौंपा। इस बीच पत्रकारों से चर्चा करते हुए पुष्पराज सिंह ने कहा कि मुझे जो दायित्व मिला है उसका निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि 15 साल में पूरे रीवा को एक बिल्डर के हाथों बेच दिया गया और तो और रीवा राज गुलाम सा बना दिया। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विकास कांग्रेस का है, इमारत बेचने बनाने को विकास नहीं कहते। भाजपा और उसके लोग अपना विकास करने में जुटे हैं। आप सभी जानते हैं कांग्रेस को ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आप सभी को इतिहास की जानकारी है, भारत के स्वतंत्रता के 1857 के आंदोलन जब फेल कर गए, श्रीमती इंदिरा गांधी और स्वर्गीय महाराज मार्तन सिंह जी अगर 50 लोगों का डेलीगेशन लेके न गए होते रीवा से वहां पर दिल्ली, तो ये न ट्रेन मिलती न कोई बात होती। ये केवल और केवल कांग्रेस की देन है। आज भी हमारे साथ कम से कम 3 लोग यहां पर भी विराजमान हैं और कम से कम 10 लोगों का मैंने दशहरा में सम्मान करा है, जो लोग उस डेलीगेशन में श्रीमती इंदिरा गांधी के पास गए थे और उसके बाद आदरणीय माधवराव सिंधिया जी, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी मेरे कहने पर प्लानिंग कमीशन पर उसकी पूरी क्लियरेंस करके उसका पूरा दिया गया, फाइनेंस दिया गया। मुकेश श्रीवास्तव जी भी यहाँ पर हैं, उनको भी इस बारे में पूरी जानकारी है। दूसरी बात, इस पूरे क्षेत्र के ऊपर श्रीमती गांधी की बहुत बड़ी कृपा रही है, उनकी आंख रही है। आज आप संजय गांधी नेशनल पार्क देख, संजय गांधी हॉस्पिटल को देखें, आज ये पूरी जो बिल्डिंग बनाई गई है वो हमारी सरकार जब थी तब बनाई गई है। आज यहाँ जितना जो डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो शिल्पी प्लाजा को देखें, जो सार्वजनिक, जो जल ग्रहण प्लांट आया, जिसकी प्रथम टंकी का शिलान्यास आदरणीय मोतीलाल वोरा जी ने और हमने उस समय वहां पर करा आपके कोठी कंपाउंड में, उस जल ग्रहण और जिसका पूरा प्लांट आपके शिल्पना में लगा है, उसका शिलान्यास आदरणीय मोतीलाल वोरा जी ने करा था। जब मैं भी उनके साथ था, भले विधायक उस समय नहीं बना था, लेकिन उस कार्यक्रम में हम लोग थे और सहभागिता पूरी निभा रहे थे। तो आज चाहे यहाँ जल की बात हो, बाणसागर को ले लें, बाणसागर के लिए पूरी की पूरी मेहनत स्वर्गीय जमुना प्रसाद जी शास्त्री ने करी है, उसके बाद महाराज मार्तन सिंह ने करी है। आज 2 कैनाल बनाकर जो बाणसागर की बात को लूटना चाह रहे हैं, क्रेडिट को लूटना चाह रहे हैं, वो कृपा करके ये याद रखें कि जब बाणसागर बना तब मैं भी स्कूल में था और मैं भी 4th-5th में था। वो तो शायद किंडर गार्डन में भी ना रहे होंगे, तो किंडर गार्डन में ही रहते रहते उन्होंने बाणसागर करा दिया। ये तो अचंभा है, तो बहुत अचंभे की बात है। तो ये सारा जो यहाँ विकास हुआ है वो निश्चित रूप से कांग्रेस के माध्यम से हुआ है, कांग्रेस की ही योजना के माध्यम से हुआ है। निश्चित रूप से आज वो समय आ गया है कि ये छलावा से हम दूर जाएं और हम वापस निकट आएं वास्तविकता के, और उस पार्टी के निकट आएं जो गरीब और सर्वहारा के लिए बात करती है।